हेलो एंड वेलकम बैक टू दी सिविल इंजीनियरिंग विथ MSA, इम्प्रूव योर नॉलेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। देखिए, अभी हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं किए हुए हैं वो है हमारा मोस्ट आस्क क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज तो देख ही रहे हैं और साथ में क्या है, हम लोग टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन को कवर करते हुए चल रहे हैं। जो सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है उसका नाम सर्वेइंग है और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्लेन टेबल सर्वेइंग। इससे पहले 5 वीडियोज़ आ चुकी है मोस्ट आस्क क्वेश्चन सीरीज की, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के उसको भी आप देख सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन सीरीज, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, और वो क्या है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का माहौल बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है हमें। देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, द मैथड चीफली यूज फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स फ्रॉम स्टेशन विच हैव बीन प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड बाई ट्रायंगुलेशन। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, बेसिक सवाल है प्लेन टेबल सर्वेइंग का। उस मेथड को क्या कहेंगे हम लोग, रेडिएशन मेथड कहेंगे। ठीक है, चलिए, जहां जरूरत होगी एक्सप्लेनेशन की वहां मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि प्लेन टेबल सर्वेइंग से कोई भी बहुत बड़ा या बहुत कोई रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल सवाल आते हैं और हर एग्जामिनेशन में प्लेन टेबल सर्वेइंग से कुछ ना कुछ सवाल रहने के चांसेस रहते हैं। देखिए दूसरा सवाल आ रहा है हमारे सामने कि द मेजर सोर्स ऑफ एरर इन स्मॉल स्केल मैपिंग। स्मॉल स्केल आपने अगर मैपिंग किया हुआ है तो मेजर सोर्स ऑफ एरर वहां पर क्या होगा, जबकि आपने जो मेथड यूज किया हुआ है सर्वेइंग का वो क्या है, प्लेन टेबल सर्वेइंग है। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि जब भी आप इन एक्यूरेट सेंटरिंग करते हो, यानी ऑप्शन नंबर ए ना, जब आपका सेंटरिंग सही नहीं होता है तो क्या होता है, मेजर सोर्स ऑफ एरर आ जाता है, कब, जबकि स्मॉल स्केल मैपिंग हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम लोग देखते हैं, फॉर लोकेटिंग द रिवर विच मैथड ऑफ प्लेन टेबल इज यूज। भाई अगर किसी रिवर को आपको दिखाना है तो आप कौन सा मेथड यूज करिएगा, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे थे, उस मेथड का नाम क्या हो जाएगा, उस मेथड का नाम हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन इन प्लेन टेबलिंग इज कॉमनली यूज फॉर, किस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो। तो देखिए यहाँ पर वन बाय वन पढ़ते जाइए और मुझे लगता है सब आपको सही लगेगा, क्योंकि सारा कुछ सही दिख भी रहा है कि लोकेटिंग द डिस्टेंस एंड इनएक्सेसिबल पॉइंट, लोकेटिंग द ब्रोकन बाउंड्री, लोकेटिंग द पॉइंट विच मे बी यूज फॉर द सब्सिक्वेंट एज इन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ऑल ऑफ अबव, यानी इसका सही सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैथड ऑफ ओरिएंटेशन। मैथड ऑफ ओरिएंटेशन इनमें से और किन को कहा जाता है, तो हम लोग रीसेक्शन को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो ग्राफिकल मेथड है सर्वेइंग का, और वो मेथड आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग, क्योंकि प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है कि पूरे एरिया का जो है वो ग्राफ साथ साथ में, यानी पूरे एरिया का जो है वो ड्राइंग साथ साथ में बनता चलता है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, फॉर प्लेन टेबल सर्वे प्लम्बिंग फॉर्क इज यूज अलॉन्ग विथ, प्लम्बिंग फॉर्क को किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको प्लम्ब बॉब के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो हमारे टेबल में पॉइंट होते हैं ना, मान लीजिए अगर ये आपका कोई टेबल है और ये आपका कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को अगर ग्राउंड में ट्रांसमिट करना है या ग्राउंड के किसी पॉइंट को ट्रांसमिट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर, प्लम्बिंग फॉर्क यूज़ करते हैं ना, इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट था आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लम्ब बॉब को लटकाते हैं इस तरह से, है ना, इसको यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, लेमान्स रूल स्टेट दैट वाइल लुकिंग टूवर्ड्स द स्टेशन द प्लेन टेबल लोकेटिंग टू बी फिक्स इज ऑलवेज टू द, भाई ये तो सिंपल सी बात है, लेमान्स रूल कहता यही है कि लेफ्ट या फिर राइट ऑफ ईच ऑफ द रे होना चाहिए, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। चलिए एलिडेड, एलिडेड किस जगह यूज़ करते हैं हम लोग, भाई एलिडेड, एलिडेड हम लोग यूज़ करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, स्मॉल, देखिए कितना छोटा छोटा सा सवाल है लेकिन ये सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल आपको ध्यान में रखना होगा कि स्मॉल एरिया विच कैन बी कमांडेड फ्रॉम अ सिंगल प्लेन टेबल स्टेशन आर यूजुअली प्लॉटेड बाई, किससे प्लॉटेड किया जाता है, तो रेडिएशन मेथड से। ये सारे मेथड है, अगर आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है वो आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ये सारे क्या है, जो चारों नाम लिखे हुए चारों नाम क्या है, मेथड है, इंटरसेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, रीसेक्शन हो गया और ट्रैवर्सिंग हो गया। चलिए उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए मेथड से रिलेटेड ही है, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा ध्यान में आ गया होगा कि द टर्म ग्रेट ट्रायंगल एंड ग्रेट सर्कल आर यूज्ड इन अ, कौन से सर्वे में आप ग्रेट सर्कल और ग्रेट ट्रायंगल को यूज़ करते हैं। तो आपको याद होगा कि जब आप 3-point प्रॉब्लम पढ़ रहे थे उस वक्त में क्या हो रहा था, आपका ग्रेट सर्कल और ग्रेट ट्रायंगल बन रहा था। 3-point प्रॉब्लम आपने कहाँ पढ़ा है, और 3-point प्रॉब्लम जो है आपने पढ़ा है, सॉरी यहाँ ये आंसर गलत है, आपने 3-point प्रॉब्लम जो है वो पढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा क्या, प्लेन टेबल सर्वे में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मेथड यूज फॉर लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशंस, या फिर इस सवाल को अगर ऐसा घुमा दिया जाए, इन अ प्लेन टेबल सर्वे द मेथड यूज फॉर लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशन, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रैवर्सिंग और रीसेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि द मेथड जनरली अडॉप्टेड टू ओरिएंटेड अ प्लेन टेबल एट अ पॉइंट विथ थ्री इनएक्सेसिबल पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है थ्री पॉइंट प्रॉब्लम। नाम क्वेश्चन में ही दिख रहा है ना साफ साफ कि हमको थ्री इनएक्सेसिबल पॉइंट है, तो थ्री पॉइंट प्रॉब्लम बहुत सही। थर्ड इन इज प्लेन टेबल सर्वेइंग इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है ट्रेसिंग पेपर मेथड, मैकेनिकल मेथड। प्लेन टेबल सर्वेइंग जो हम लोग यूज करते हैं उसका दूसरा नाम क्या है भाई? ट्रेसिंग पेपर मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टू पॉइंट एंड थ्री पॉइंट प्रॉब्लम आर टिपिकल केस ऑफ, किसका केस है टू पॉइंट एंड थ्री पॉइंट प्रॉब्लम? वो है रीसेक्शन का, ठीक है, रीसेक्शन का। ना ही वो रेडिएशन का है, ना ही वो इंटरसेक्शन का है, ना ही वो ट्रैवर्सिंग का है। किस मेथड का है? वो रीसेक्शन मेथड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल आपको दिखते रहेंगे प्लेन टेबल सर्वे में। इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्रॉइंग रे इन प्लेन टेबल सर्वे, अगर आपको रे ड्रॉ करना है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कीजिएगा प्लेन टेबल सर्वे में? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, एलईडेड। एलईडेड का काम क्या हो जाएगा भाई? रे ड्रॉ करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बाय ड्रॉइंग रिसेप्टर फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द नोन स्टेशन इज कॉल्ड एज, ठीक है, नोन स्टेशन के साथ अगर उसको कहा जाए तो क्या कहा जाएगा उसको? रीसेक्शन कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपको ऑड लग रहा है? रेडिएशन मेथड, टू पॉइंट प्रॉब्लम और थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, ये तीनों जो है वो प्लेन टेबल से रिलेटेड है। ये हाइट ऑफ कॉलिमिनेशन मेथड ये प्लेन टेबल से रिलेटेड नहीं है, ये तो लेवलिंग का पार्ट है। तो इसमें ऑड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास इस सीरीज में ऑड चीज़ दिख रही है। स्प्रिट लेवल इन प्लेन टेबल इज यूज फॉर, स्प्रिट लेवल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने कोशिश किया कवर करने के लिए, हर एक का इस्तेमाल, हर एक मेथड मैंने कोशिश किया कवर करने के लिए, ताकि आपको प्लेन टेबल जो है यहीं से समझ में आ जाए। अगर आप छोटा सा नोट्स भी बनाते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको बिल्कुल प्लेन टेबल यहां से हो जाएगा काम। देखिए स्प्रिट लेवल जो है वो प्लेन टेबल में किस लिए यूज़ किया जाता है? स्प्रिट लेवल यूज़ किया जाता है लेवलिंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। द रे ड्रॉन और टू द पॉइंट ऑफ नोन लोकेशन फ्रॉम अनप्लॉटेड स्टेशन ऑक्यूपाइड बाई द प्लेन टेबल इज टर्म एज, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है रीसेक्टर्स, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? रीसेक्टर्स। द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज पैरेललिज्म, ठीक है, ये तो बिल्कुल मैंने कहा था, आप लोग ध्यान ही रख लीजिए। प्लॉटिंग ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट ऑन अ प्लेन टेबल इज डन बाई, किस तरह से किया जाता है? तो इंटरसेक्शन मेथड के द्वारा किया जाता है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए स्ट्रक्चरल जो हमारा कोर पेपर है, आप लोगों को पता ही है कि चैनल पर पहले से जो है वो स्टील और आरसीसी के लिए बहुत सारी वीडियोस डली हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और सोम से रिलेटेड साथ में थोड़ा फ्लूड मैकेनिक्स भी हो जाए और थोड़ा जो है वो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग भी हो जाए। इसका जो है शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ बनाऊँ ताकि जो है एग्जामिनेशन देने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वो इम्प्लाई हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोर सर्व इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो भाई सबसे ज़्यादा कौन सा एरर होता है? याद रखिएगा डिफेक्टिव ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा एरर किसकी वजह से आते हैं? अगर आपने सही तरीके से ओरिएंटेशन नहीं किया। द पॉइंट वर्टिकली बिलो द प्रोस्पेक्टिव सेंटर ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा ग्राउंड प्लम्ब पॉइंट, ठीक है जी, इसको कहा जाएगा ग्राउंड प्लम पॉइंट। तो देखिए यहाँ तक जो है हम लोगों ने जो है क्वेश्चन को कवर कर लिया, और प्लेन टेबल सर्वेइंग में इसी तरह के सवाल आने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आपको क्या करना है? आपको बस पढ़ते रहना है। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो कंटूर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, कंटूर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सर्वेइंग से, और उसके रिलेटेड जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो आपको क्या करना है? बस पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का भी ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।